नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट के दास में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो शेयर का नाम है BHEL के बारे में। BHEL आज पूरा दिन ट्रेड करते करते एक रेंज अमाउंट में मार्केट बंद कर रही है, क्लोज कर रही है। कल का जो लो था ये था अपना 205 तक था, उसके बाद में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिला था जो कि 20 पॉइंट्स का था, और आज एक रेंज अमाउंट में मार्केट रहा है। अभी एक और इसमें खुशखबरी का न्यूज़ आई है, और वो न्यूज़ है मॉर्गन स्टेनली जो है वो अपने पावर सेक्टर BHEL के लिए बहुत ही बुलिश है, और बुलिश में उन्होंने टारगेट प्राइस जो अभी BHEL के दिया है वो 390 रुपीज़ पर शेयर, और 390 रुपीज़ और अभी कितना 227 का है, तो एक तरह से बहुत बड़ा गैप है, और आपको ये इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। बीच और आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए वो एक मोटिवेशन से कम नहीं है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ देख लीजिए आप, एक बार 23 तारीख को एक तरह से मार्केट डाउन था हल्का सा, उसके बाद में एक मार्केट ऊपर आया, फिर ये पूरा साइडवेज रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म जब व्यूज देखते हैं ना तब पता चलता है कि मार्केट में हो क्या रहा है, और हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग उसके बाद में ये तरह सा ऊपर। और प्रॉफिट बुकिंग में क्या था, Q3 का जो रिजल्ट था उसमें 169 करोड़ का लॉस था, इसलिए लॉस ज़्यादा नहीं है। लॉस तो BHEL एक PSU कंपनी है, इतना चलता है 169 करोड़, मगर इनका क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑर्डर बेस है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऑर्डर भी इनके पास पड़े हुए हैं। मेन ये ऑर्डर है, और ऑर्डर है तो आगे भविष्य में जाकर प्रॉफिट करना ही है इनको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और ये देखो लीजिए पहला जो टारगेट जो आपका पड़ेगा वो है मॉर्गन 390 का है, मगर 390 के लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से पहला जो टारगेट बनेगा वो है 260 रुपये का, उसके बाद में 300 तक जाएगा, उसके बाद में ही 390 तक जाएगा, यानी 260 कुछ टाइम में ही आ जाएगा, और आप देखते रह जाओगे कि ये क्या कैसे हो गया, कितना जल्दी हो गया, क्योंकि देख लीजिए ना ये पूरा मार्केट ही जो था ये पूरा एरा साइडवेज था। साइडवेज होने का एक फ़ायदा होता है कि मार्केट को ना एक तरह से पूरा बायर और सेलर ना यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल करते हैं, फिर एक तरफ जब बुल फूटता है बराबर ना, जैसे ये रहा ऐसे और ऐसे, अगर नीचे तरफ गया तो बहुत ज़्यादा नीचे आएगा, ऊपर तरफ ऊपर, तो इस तरह से ये जो रेंज बना उसके बाद में देख लीजिए एक पूरा तरह अब ट्रेंड रहा है, और हल्का सा बुकिंग फिर ऊपर, तो आपको एक बार इसमें व्यू रखना चाहिए आपका। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।